आके हर टाइम बोलता है वो ये करता है ठेला वाला तो बुरा लगता है ना। हमारे कभी बोले देखो इतना दिन से आ रहा है हम लोग कभी नहीं बोला लेकिन तुम जब आके हर टाइम बोलता है वो ये करता है ठेला वाला बोलते है ठेला वाला उसका पीछे जो गाड़ी लगा हुआ है ना उसका सेटअप खोल दो एक गाड़ी लेके झारखंड में उठा के दे गया ना 407 का इंजन लगा है वो जो मेट्रो में गाड़ी मालूम नहीं है उसको मालूम नहीं घर में झारखंड में दे के आएगा उसका घर में आराम से भाई। लेकिन हाँ एक तो बात है कि भाई जो आप उसको हमको समझ नहीं आता उस गाड़ी को क्या बोले हम लोग का लैंग्वेज उसको बोला जाता है इंजन रिक्शा ठीक है बिल्कुल बंगाली का दिमाग से मॉडिफाई करा जाता है। हम लोग का जो सड़क है ना वो बिल्कुल पतला है पतला सड़क के लिए माल सामान को इधर से उधर ले जाने के लिए क्या चाहिए पावरफुल एक चाहिए इसके लिए उसको छोटा सिस्टम बनाया गया। लेकिन एक चीज तो है भाई कि इसके लिए दांत लेनी पड़ेगी कि आप खुले खुले गाड़ी में आप इतने सारे माल इसके लिए टाटा भी नैनो जब उतरा था ना बोला था 1,00,000 रुपए में एसी नहीं है मैं क्या लेगा फिर 2 साल के बाद वही सब में घूम के आया। लेकिन दोस्तों एक तो बात है कि जो खुले पाप लेकर आते एक काबिले तारीफ की बात है और देखिए जो ये ठेला की बात करता है वो गलत बात है क्योंकि उसको नॉलेज नहीं है। बहुत लोगों को नॉलेज है जैसे मैं भी बोल सकता हूँ ठेला लेकिन भाई मेरे को पता है कि उसमें इंजन पीछे तो लगा तभी तो इतना लोड कर पा रहा मैं टेम्पो इधर से पावर इंजन जिला से 300 किलोमीटर एक रनिंग में इधर से आके स्टॉप हाँ क्योंकि इंजन ही भी कभी इतना लंबा राउंडिंग हो पाया नहीं तो पॉसिबल नहीं होता कि इतना लंबा राउंडिंग हो पाता एक गाड़ी ये हम भी मानते हैं। और देखो ठेला वो बात करते हैं बच्चे लोग जिसको समझ नहीं आता कि भाई क्या है क्या चीज़ नहीं है लेकिन देखो हम लोग के लैंग्वेज में उसको ठेला या रिक्शा ऐसे कोई बोलते हैं तो उसके लिए आप लोग बुरा मत मानिए क्योंकि बुरा लगता है। देखो जैसे हम लोग किसी काम में हमारा इंजीनियर भाई से पढ़ाई करके उसमें मेहनत करके बनाया है तुम हर टाइम आके बोलेगा ठेला वाला तो बुरा लगता है ना। हमारे कभी बोले मेरा पिताजी भी उसमें काम करेगा तो मेरे को बुरा नहीं लगेगा। जैसे मैं बताता हूँ आपको कि वो ठेला वाला का मतलब क्या है जैसे आज जो आप गाड़ी को हर टाइम बोलता है ठेला वाला गाड़ी है ठेला वाला वो गाड़ी ठेला वाला है आप देख के बता दीजिए कौन सा गाड़ी में कौन सा ठेला वाला गाड़ी में 407 का इंजन लगता है कौन सा गाड़ी में 407 का इंजन लगता है कौन सा ठेला में ठेला वाला क्यों बोल रहा है वही तो बात मैं बोल रहा हूँ भाई साहब एकदम हर टाइम तुम आके इधर आता हो किसी गलती देखे बोल के आपको ठेला वाला बोल रहे ना ठीक है थैंक यू सो मच भाई चलो अच्छी बात है आपने इतना भी बताया और बहुत सारा चीज़ें तो भाई नहीं पता कि ठेला क्या चीज़ है और रिक्शा क्या चीज़ है। इसमें दोस्तों 407 की इंजन लगी हुई है जिसको उन लोग इंजन रिक्शा बोलते हैं जो कि एक्स्ट्रा इंजन लगा के बनाता है और इन लोग का भाई वहाँ का साइड थोड़ी बदली इसी और उसके कारण से लगाया लेकिन काबिल तारीफ की बात है कि दोस्तों ये लोग काफ़ी कॉम्पैक्ट जगह में माल अच्छे खासे लोड करके ले आते हैं इसके लिए अच्छी बात है। बाकी आज का कॉम्पिटिशन दोस्तों काफी तगड़ा होगा 3 बजे के बाद से आज ही पता चलेगा कौन क्या है कौन नहीं है और यहाँ से ही दोस्तों निर्णय लिया जाएगा कांवड़ यात्रा 2025 की कि कौन जाएगा नहीं जाएगा और एक सेटअप जाएगा दोस्तों दोनों सेटअप जाएगा ये कंफर्म बात है क्योंकि दोनों का क्रेज दोस्तों बहुत ही ज़्यादा क्रेज है दोस्तों पावर म्यूजिक और डी सार्जर की क्या बताऊँ आप सबको आप लोग को पता ही होगा और 2025 में आप सबको देखने को मिलेगा हरिद्वार कांवड़ यात्रा।